अकोला जिले के कृषि नगर में बीते दिनों एक कोचिंग क्लासेस में पढ़ने वाले छात्र की हत्या का मामला सामने आया है। बता दें कि बीते 1 जनवरी को कोचिंग क्लासेस में पढ़ने वाले छात्र विशाल झाटे की आपराधिक प्रवृत्ति वाले दो युवकों ने शराब पीने के लिए 50 रुपये की मांग की थी। वहीं जब छात्र विशाल झाटे ने पैसे देने से इनकार किया तो आरोपियों ने उसके पेट में चाकू से वार कर दिया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी महज 50 रुपये के लिए। वहीं अब विशाल को इंसाफ दिलाने के लिए उद्धव ठाकरे गत शिवसेना द्वारा छात्रों का आक्रोश मोर्चा निकाला गया है। यह आक्रोश मोर्चा जवाहर नगर से लेकर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक निकाला गया। साथ ही छात्रों ने मांग की है कि विशाल के हत्यारों को जल्द ही फांसी की सजा दी जाए और अकोला के छात्रों की सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाए। कायदा सुव्यवस्थेचा बोजा मारा वाचला। खेड्यातले मुलं या 4 जिल्ह्यातले मुलं इथं शिक्षणासाठी येतात। या शिक्षकाने कोचिंग क्लासेस चालून 15-20 वर्षांपासून या शहरातले तरुण मुलं डॉक्टर इंजिनियर केले आणि या शहरातलं शिक्षणाचं एक हब त्या शिक्षकामुळे एक हब इथं तयार झालं। म्हणून 5-6 जिल्ह्यातले विद्यार्थी इथं शिक्षणासाठी येतात, परंतु ते विद्यार्थी बाहेर जात असताना कोणी त्याला चाकू लावते, कोणी सुरी लावते, त्या विद्यार्थ्याजवळ पैशाची लूट होते आणि त्या एक विशाल नावाचा बुंडा लावून आलेला विद्यार्थी त्याला भूक लागली ती म्हणून तो दुकानावर एकच जाण्यासाठी जाते आणि त्याची 50 रुपयासाठी हत्या केल्या जाते। अशी हत्या शहरामध्ये घडू नये आणि कोणत्या ट्युशन क्लासेसच्या विद्यार्थ्यांना मुला मुलीला केसाला धक्का लागला नाही पाहिजे म्हणून शिवसेनेने पुढाकार घेऊन आज रोजी आम्ही हा भव्य दिव्य मोर्चा SV ऑफिसवर